हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मायसेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड, टुडे वी हैव डिस्कस्ड हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th, क्लास 12th, नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। My dear friend, a lot of questions are put out in this lesson, and today I had discussed a new lesson, a new point that is called Pheretima posthuma. My dear friend, Pheretima posthuma is a cosmopolitan, not be a single place. Is a cosmopolitan. The simple meaning of the cosmopolitan is worldwide distribution. Whole over world में इनकी species पाई जाती हैं। तो आइए मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ species पाई जा रही है, Pheretima posthuma की पाई जा रही है, और इसका सिंपल वे में हम कहते हैं इसको अर्थवर्म या केचुआ। इनको सामान्य भाषा में हम कहते हैं अर्थवर्म या केचुआ। माई डियर फ्रेंड, कहने में ये जितना सा इजी है, जितना सा सामान्य है, ये इसका टॉपिक, इसके पैटर्न उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं, उतने ही जटिल हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप सभी लोग रफ और पेन लेकर के बैठेंगे और नोट करते चलेंगे, क्योंकि वे सारे पॉइंट्स मैं इस व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जितने पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूं। तो आइए हम एक एक करके चलते हैं। अगर हम सबसे पहले अर्थवर्म की बात करें, तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, व्हाई इज द अर्थवर्म इज कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवर्म को किसानों का मित्र क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि अर्थवर्म एक ऐसा वर्म है, एक ऐसा कृमि है, जो कि पत्तियों को लेकर के अपने होल में चला जाता है, सुरागों में चला जाता है, और वहां पर वो डेटा इंडिकेट करता है, सड़ाता गलाता है, और सड़ा गला करके वो सॉयल को जो है वो सॉयल में उर्वरता, फर्टिलिटी उनकी इंक्रीज कर देता है। माय डियर फ्रेंड, फर्टिलिटी उनकी इंक्रीज कर देता है, सॉयल की उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। सेकेंडरी अगर हम प्लोइंग करा दिए, अपने फील्ड की मैंने प्लोइंग करा दिया, तो आपने देखा कि हम फील्ड की प्लोइंग करा तो रहे हैं, उसके साथ पता है कितने हजार केचुए उसके साथ कट करके दब करके मर जाते हैं। एक केचुए मरने के बाद भी सड़ गल करके ये हमारे लिए ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, खाद जो है देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब तक तो ये जीवित थे, इनके द्वारा लीफ को, पत्तियों को घसीट करके लाया गया, और वहां पर इनसे जो है अच्छी तरह से आपने देखा पत्तियों को घसीट कर लाए ये लोग, और वहां पर भी इसको ह्यूमस में कन्वर्ट किए। अब सेकेंडरी का आप क्या देख रहे हैं कि पत्तियों के लाने के बाद अगर स्वयं भी बेचारे डेड कर जा रहे हैं, उसके बाद भी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो जब तक जीवित थे तब तक बेनिफिट दिया, और जब ये मर गए उसके बाद भी बेनिफिट दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि अर्थवर्म इज द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इन होल ओवर वर्ल्ड टोटल 1800 स्पीसीज आर अकर, सिंपली अकर टू 1800 स्पीसीज। पूरी जो है विश्व भर में इसकी जातियों की संख्या को अगर देखा जाए, अगर पूरे विश्व में इसकी जातियों की संख्या को देखते हैं, तो 1800 इसकी जातियां पाई जाती हैं। आइए आगे देखते हैं। इस विषय में मैंने आपको बताया है कि साउथ इंडिया में, जिसको दक्षिण भारत बोला जाता है, तो मेगाकोक्लेक्स जो है मेगास्कोक्लेक्स की स्पीसीज है, दक्षिण भारत में पाई जा रही है। उत्तर भारत में यूटाइफियस की स्पीसीज पाई जा रही है। देख रहे हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों तरह के अलग अलग अर्थवर्म पाए गए। माय डियर फ्रेंड, इनको सामान्य रूप से आप बरसात के महीनों में देख सकते हैं, जैसे जैसे पानी बरसता है आराम से अपनी बिलों, जैसे जैसे इनकी बिलों में, इनकी होल में, इनके बरोइंग में, चूंकि बरोइंग एनिमल्स हैं, होल बनाकर जाते हैं, जैसे ही वाटर में इन्वॉल्व करेगा, वाटर में फिलअप करेगा, ये उससे बाहर आ जाएंगे। चूंकि रेट ऑफ रिस्पायरेशन इनका ब्रेक करता है, श्वसन की क्रिया इनकी बाधित होती है। जब श्वसन की क्रिया इनकी बाधित होती है, तो श्वसन की क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, ये आसानी से जो है बॉडी से
बाहर आते हैं, जब ये बॉडीज जो है उनके होल से बाहर आ जाएंगे, होल से बाहर आने के बाद आपने देखा कि आसानी पूर्वक अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये होल से तो बाहर आए, वहां पर भी इन्होंने अपनी एक्टिविटी को क्लियर किया, अपनी एक्टिविटी को संचालित किया। तो इस तरह की एक्टिविटी इनकी रेगुलर चलती रहती है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको फिर ले चलता हूं कि होमियो जो आपने देखा कि आपने यहां पर फेरेटिमा पोस्टमा की बात किया, अर्थात अर्थवर्म की आपने बात किया। अर्थवर्म की जो आप बात करते हैं तो अर्थवर्म में आपने देखा कि आइए इसका सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन आपको बता दें, क्लासिफिकेशन में फाइलम एनेलिडा है। फाइलम क्या है? एनेलिडा है। अगर फाइलम इसका एनेलिडा, एनुअल लीड्स, एनेलिडा मीन्स होता है एनुअल लीड्स, वार्षिक वलय, एनुअल लीड्स बोला जाता है, वार्षिक वलय बोला जाता है, इसीलिए इनको एनेलिड्स में रखा गया। रेगुलर रिंग्स में ये अटैच होते हैं। एक वलय के बाद दूसरा वलय, उसके बाद तीसरा वलय, उसके बाद चौथा वलय, लगातार इन वलयों की संख्या एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इनको कहा गया कि ये जो है वलय इसमें पाए जाते हैं, ये एनुअल रिंग्स हैं, ये जितने बड़े हैं इसमें वलयों की संख्या लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती है। आप यहाँ जो सिगमेंटेशन देख रहे हो, पहले सेगमेंट से लेकर के बाय डियर फ्रेंड यहां पर जो ये फर्स्ट सेगमेंट है, आप फर्स्ट सेगमेंट से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम यहां पर 16 सेगमेंट तक बनाए हुए हैं फिगर, फर्स्ट टू 16 सेगमेंट तक यहां पर फिगर आप देख रहे हैं बना हुआ है, जिसमें हम इस पूरे फेरेटिमा पोस्टमा को, पूरे अर्थवर्म को दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, एक फर्स्ट टू 16 पर, दूसरा 16 to 120 पर। माय डियर फ्रेंड, एक अर्थवर्म जो होता है एक टोटल जो है प्रोस्टोमियम से लेकर के, अर्थात बकल कैविटी जहां पाई जाती है प्रोस्टोमियम से लेकर के एट लास्ट एनस तक, इसके नंबर ऑफ टोटल सेगमेंट होते हैं 120। अगर आपसे पूछता है कोई एक केचियो में कुल कितने खंड पाए जाते हैं, आप क्या बताएंगे? एक केचियो में पाए जाने वाले खंडों की संख्या होती है 120। कुल कितने? मैं 120 टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्लाइटेलम भी है, उसमें और सारे पार्ट भी हैं, प्रीस्टोमियम पेरिस्टोमियम भी है, ओएनएस भी है, मैं टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट बता रहा हूं। और आइए देखते हैं दूसरा पार्ट, मैं इसको डिस्कस करने हैं, इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने सेगमेंट की बात तो कर दिया, इतने खंड तो पाए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन के रूप में सीटी पाया जाता है, चलने के लिए अंग के रूप में इसमें यशाकार की, इस तरह से आप देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे तो यशाकार की एक सीटी पाई जाती है ऐसे, तो ये धसी हुई, इतना धसी हुई होती है ये, और ये बाहर होती है, इनमें मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का वर्क करती है, इन्हीं सीटी की सहायता से क्यूटिकल की बनी होती है, ये सीटी पूरी तरह से क्यूटिकल की बनी होती है और यशाकार की पाई जाती है। ध्यान रहे, ये सीटी फर्स्ट सेगमेंट में नहीं पाई जाती, ये सीटी लास्ट सेगमेंट में नहीं पाई जाती, ये सीटी फोर जो है क्लाइटेलम रीजन में 14, 15, 16, अर्थात आपको 5 सेगमेंट ऐसे मिले जहां पर ये सीटी नहीं पाई जाती। कौन कौन से हैं सेगमेंट? सेगमेंट नंबर फर्स्ट, सेगमेंट नंबर 14, 15, 16, सेगमेंट नंबर 120 एट लास्ट सेगमेंट। अंतिम खंडों में, प्रथम खंड में, क्लाइटेलम खंड में और अंतिम खंड में सीटी नहीं पाई जाती। ये क्लियर हो गया? सीटी क्या है इनका? लोकोमोटिव आर्गन है, प्रचलन अंग। जैसे हम लोगों का लोकोमोटिव आर्गन क्या है? पैर है। उसी तरह से इनका लोकोमोटिव आर्गन जो होता है वो सीटी होता है, और सीटी किसका बना हुआ होता है? क्यूटिकल का। क्लियर हो गया? सीटी किसका बना हुआ होता है? क्यूटिकल का बना हुआ होता है। सीटी क्यूटिकल का बना हुआ होता है। जब ये सीटी क्यूटिकल का बना हुआ है, हमारी फ्रेंड, अब यहां पर आप देखेंगे, अब मैं आपको कुछ और भी इनकी विशेष बातों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो उसको आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। तो जिसके इसके विषय में सबसे पहले अध्ययन किया है डॉक्टर के एल बहल ने, डॉक्टर के एल बहल ने इसके विषय में सबसे पहले स्टडी किया। और फेरेटिमा शब्द किसने दिया? हु गेव द टर्म ऑफ फेरेटिमा? नोट करिएगा, हु गेव द टर्म ऑफ फेरेटिमा? द टर्म ऑफ फेरेटिमा इज गिवन बाय द किनबर्ग। किनबर्ग ने दिया इन 1857, 1857 में किनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने फेरेटिमा टर्म को यूज किया। फेरेटिमा पोस्टमा है ना, फेरेटिमा जीनस है, पोस्टमा स्पीसीज है, तो फेरेटिमा शब्द का उपयोग किया। अब आप देख लिए, शब्द तो आ गया,
अब आइए इनके क्लासिफिकेशन को देखा जाए। क्लासिफिकेशन के विषय मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इनका कौन सा फाइलम होगा। इनका फाइलम है संघ है इनका एनेलिडा, फाइलम है एनेलिडा। और इनका जो वर्ग होता है, इनका जो क्लास होता है ऑलिगोकीटा होता है। क्लास से होता है क्या होता है ऑलिगो, नोट करिएगा क्लास ऑलिगोकीटा, क्लास ऑलिगोकीटा। और ऑर्डर जो होता है ऑफिस्थोफोरा, ऑर्डर ऑफिस्थोफोरा, नोट करिएगा। और चूंकि यहां पर प्लेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख करके आपको समझाता, आप नोट करते चलिएगा। ऑर्डर ऑफिस्थोफोरा, ऑफिस्थोफोरा है। और इसका जीनस लिख लीजिएगा, जीनस इसका पेरेटिमा है। और जिस स्पीसीज की स्टडी हम करते हैं वह है पोस्थुमा, जीनस फेरेटिमा स्पीसीज पोस्थुमा। तो जीनस और स्पीसीज मिला करके बायोलॉजिकल नेम अगर निकाला जाए, जूलॉजिकल नेम इसका देखा जाए, वो हो जाता है फेरेटिमा पोस्थुमा। जीनस और स्पीसीज को आप एक साथ जो है ले आते हैं तब जाकर के एनिमल का साइंटिफिक नेम निकलता है। तो अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। अब आइए माय डियर फ्रेंड, मैंने इसके क्लासिफिकेशन के विषय में बता दिया। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा कि ये फेरेटिमा पोस्थुमा जो होता है ये जमीन के अंदर 2 से लेकर 10 फीट की गहराई तक देखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारे यहां जो पाए जा रहे हैं अर्थात जो उत्तर भारत में पाए जा रहे हैं ये मैक्सिमम 1.5 से लेकर 2 फीट की गहराई तक ये पाए जाते हैं। और इनकी अगर टोटल की देखा जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए, कॉस्मोपॉलिटन है ये, विश्वव्यापी है ये, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये देखे गए 2 फीट से लेकर 10 फीट गहराई तक ये पाए जाते हैं। तो एनी कंफ्यूजन अगर है, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आगे बढ़े ना, तो आप लोग ध्यान देंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया और यहां तक इतनी गहराई के बीच मैंने आपको बताया कि इतनी गहराई के होने के बाद भी ये आसानी पूर्वक जो है सड़ी गली पत्तियों को ये ले करके और होल बना कर उसी के अंदर चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये बाहर तब निकलते हैं जब वर्षा ऋतु का समय आता है। और इनका ब्रीडिंग सीजन भी वही होता है जो वर्षा ऋतु का समय होता है, क्योंकि जब ये बिलों से बाहर आएंगे उसी समय इनका ब्रीडिंग रीजन चलता है, उसी समय अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने अभी आपको बताया। अब आइए देखते हैं खंडी भवन की स्थिति में मतलब कौन कौन से सेगमेंट कहां कहां पर कैसे पाए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बताया, पहले ही खंड में आपने देखा जो है ये जो यहां पर माउथ है, माउथ का पहला सेगमेंट है प्रोस्टोमियम, उसके बाद का सेगमेंट होता है पेरिस्टोमियम, ध्यान दीजिएगा। प्रोस्टोमियम मिट्टी को काटने का काम करता है, इस तरह से प्रोस्टोमियम मिट्टी को काटने का काम करता है। और पेरिस्टोमियम सिकुड़ करके उसको दबाता है और मिट्टी का जो पेस्ट बन जाता है, लुगदी बनती है, वो जो है वो इसोफेगस होकर के अंदर चली जाती है। तो यहां पर इस तरह से आप देख रहे हैं ये पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम इस प्रकार से 2 पार्ट हो गए। तो प्रोस्टोमियम जो है मिट्टी को काटने का काम कर रहा है और पेरिस्टोमियम का काम होता है कटी हुई मिट्टी को बॉडी के अंदर ले लेना। तो इस तरह से आपने 2 पार्ट देखा, 2 माउथ पार्ट में जो है प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम होते हैं, जिनका सेगमेंट मैंने बताया कि ये पहला ही खंड में पाए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, यहां पर मैंने ये भी बताया कि यहां पर कुछ ऐसे भी अर्थवर्म पाए जाते हैं जिनके नंबर ऑफ टोटल सेगमेंट देखे गए 100, अप्रॉक्सिमेट 100 मीन्स 100 to 120, 100 से लेकर 120 खंडों तक का यह पाया जाना है, इसके बाद इसमें खंडों की संख्या नहीं पाई जाएगी। ये मैंने आपको इसको सिगमेंटेशन के विषय में बता दिया आपको। और यहां पर आइए देखिए क्लाइटेलम रीजन, अगर आपसे पूछता है, कोई पूछता है कि क्लाइटेलम रीजन क्या है माय डियर फ्रेंड, तो सिगमेंट नंबर 14, 15, 16 ये जो है कितने सिगमेंट हो गए, 3 सिगमेंट, कौन कौन से, 14, 15 और 16। तो सिगमेंट नंबर 14, सिगमेंट नंबर 15, सिगमेंट नंबर 16, ये तीनों सिगमेंट जो होते हैं ये कौन सा सिगमेंट है, ये क्लाइटेलम रीजन के हैं। कौन सा सिगमेंट है ये, एक क्लाइटेलम है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लाइटेलम रीजन के सिगमेंट होते हैं, क्लाइटेलम खंड के खंडी भवन होते हैं। ध्यान रहे कि क्लाइटेलम रीजन को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। माय डियर फ्रेंड, नेफ्रिडिया मतलब होता है उत्सर्गिका। अगर ये कहें कि केचुए में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग पाया जाता है, ऐसा नहीं है, केचुए में उत्सर्जन प्रत्येक खंडों से होता है, केचुए में उत्सर्जन प्रत्येक खंडों से होता है। तो जो यहां पर नेफ्रिडिया पाए गए,
अब आपको सर्गिकाओं के विषय में थोड़ा सा बात आपको बता दें। इसमें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया सिंपली वी सीन। हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया, फारेंजियल नेफ्रिडिया, पेरिफेरल नेफ्रिडिया। नोट करिएगा, सेप्टल नेफ्रिडिया, फारेंजियल नेफ्रिडिया, पेरिफेरल नेफ्रिडिया, ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया हैव सिंपली वी सीन। अगर आप इसका डिस्कशन करते हैं, डिसेक्शन करेंगे आप, जब इसका डिसेक्शन करते हैं और इसका होल डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने के बाद आप देखेंगे, एक एक पार्ट का अध्ययन करने के पश्चात आप देखेंगे डिसेक्शन में, तो डिसेक्शन में देखने के बाद आप देखते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया हैव सीन। सेप्टल नेफ्रिडिया जो सेप्टा पर पाई जाती है उसको सेप्टल नेफ्रिडिया, फारेंजियल नेफ्रिडिया जो फारिंग रीजन पर पाई जाए उसको फारेंजियल नेफ्रिडिया, और तीसरा होता है पेरीफेरल नेफ्रिडिया। पेरीफेरल नेफ्रिडिया कितने तरह के नेफ्रिडिया हो गए? ये हो गए जो है थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया। माय डियर फ्रेंड, यही नेफ्रिडिया, यही उत्सर्गिकाएं, यही उत्सर्गिकाएं जो हर पहले, मैंने ये भी ध्यान दीजिएगा, पहले उत्सर्गिकाएं पहले और अंतिम खंडों में नहीं पाई जाती। नोट करिएगा, उत्सर्गिकाएं पहले और अंतिम खंडों में नहीं पाई जाती, और उत्सर्गिकाओं की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ नेफ्रिडिया जो होते हैं, वो 10 टाइम्स हो जाते हैं क्लाइटेलम रीजन को, क्लाइटेलम रीजन में 10 टाइम्स हो जाते हैं, 10 गुना हो जाते हैं। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल शो करने चल रहा हूं, अब उसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा, मैं एक एग्जांपल शो करने जा रहा हूं, करेक्ट नंबर अभी बाद में मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट अगर ये 15 नेफ्रिडिया पाए गए, सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल जो सेप्टा पर पाए जा रहे हैं, पेरिफेरल 100 पाए गए, और फारिंजियल जो है ये 80 पाए गए। माय डियर फ्रेंड, ऐड कर दीजिए जरा सा, 0 हो गया, 8513 हो गए, और यहां पर 1220 हो गया, कितना हो गया? 230 नेफ्रिडिया हो गए। कितने नेफ्रिडिया हो गए? 230। तो 230 नेफ्रिडिया इसके एक सेगमेंट में पाए जा रहे हैं, और एक सेगमेंट का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, अब यहां पर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2300, कितना हो गया? 2300 नेफ्रिडिया एक सेगमेंट में पाया गया, सेगमेंट नंबर 14 में, उतना है सेगमेंट नंबर 15 में, उतना है सेगमेंट नंबर 16 में। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि नंबर ऑफ नेफ्रिडिया जो होते हैं वो 10 टाइम्स हो जाते हैं, 10 गुना हो जाते हैं, कहां हो जाते हैं? उसके क्लाइटेलम रीजन पर हो जाते हैं, इसीलिए क्लाइटेलम रीजन को कहा गया फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, इसीलिए इसको कहा गया फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। माय डियर फ्रेंड, ये फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा इसको उत्सर्गिकाओं का जंगल कहा गया। किसको कहा गया? क्लाइटेलम रीजन को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी सेप्टा हैं, प्रत्येक सेप्टा का 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा नेफ्रिडिया पाया जा रहा है क्लाइटेलम रीजन में। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है नहीं? तो क्लाइटेलम बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट करते चलिए, क्योंकि सारे मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, मैं अपने सारे पॉइंट्स को यहां पर नोट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर मैं फिगर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और इसका एक्सप्लेनेशन करना है, इसलिए जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी लोग मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को नोट करते चलिएगा। मैं डॉक्टर आर.एल. कोटप्याल की बुक से बोल रहा हूं और डॉक्टर रमेश जो है गुप्ता की बुक से बोल रहा हूं, और उनके साथ कौशिक की बुक भी मैं रखा हूं, कि बॉटनी के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिस्कशन अगर आ जाता है तो वहां से भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर देखिएगा, कई बुक्स से ये सब सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके मैं आपको बताने चल रहा हूं, और ये मैं आपको बता रहा हूं, और जो फिगर भी मैं अपलोड करूंगा वो ध्यान दीजिएगा डॉक्टर आर.एल. कोटप्याल की बुक से ही मैं फिगर अपलोड करूंगा, और जिनकी बुक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये BHU में चलती है, तो वहां से जो है उनकी बुक से मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर आर.एल. कोटप्याल की बुक से मैं बता रहा हूं, आप देखेंगे। तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट के विषय में बता दिया, मैंने क्या बताया अभी आपको, नंबर ऑफ सेगमेंट हो गए 120 सेगमेंट होते हैं, और टोटल सेगमेंट में नंबर ऑफ नेफ्रिडिया जो होते हैं वह हो गया
सपोज दैट 230 नेफ्रिडिया पाए गए, इसका 10 टाइम्स नेफ्रिडिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, वो क्लाइटेलम रीजन में पाए जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि 2300 नेफ्रिडिया एक एक खंड में पाए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर तीनों खंडों को जोड़ दिया जाए माय डियर फ्रेंड, तो पता चलेगा 6090 नेफ्रिडिया पाए गए। तो आपने क्या देखा, इसीलिए इसको कहा गया कि उत्सर्गिकाओं का जंगल है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो टॉपिक आपको डिस्कस करने के लिए हम जो है ज्यादा मात्रा में आपको समझाना चाहते हैं, उसको जरा देखिएगा कि मैंने बताया अभी आपको कि सेगमेंट नंबर 14, 15, 16 ये क्लाइटेलम रीजन का सेगमेंट होता है, और क्लाइटेलम रीजन को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, नोट करिएगा, क्लाइटेलम रीजन को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है प्री क्लाइटेलर रीजन, पहले को बोला जाएगा प्री क्लाइटेलर रीजन, दूसरे को बोला जाएगा क्लाइटेलर रीजन, और तीसरे को बोला जाएगा पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। इसी क्लाइटेलम रीजन को तीन भागों में बांट दिया है। एक पहले वाले को कहेंगे, यहां से यहां तक के पार्ट को कहेंगे प्री क्लाइटेलर रीजन, फिर उसके बाद वाले पार्ट को कहेंगे क्लाइटेलर रीजन, फिर उसके बाद वाले पार्ट को कहेंगे पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो प्री क्लाइटेलर रीजन एंड पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, कितने खंड हो गए? तीन। तो तीनों पार्ट किसके हो गए? क्लाइटेलम के। माय डियर फ्रेंड, यहां पर भी मैंने स्पष्ट कर दिया है आपको कि चाहे प्री क्लाइटेलर हो, चाहे क्लाइटेलर हो, चाहे पोस्ट क्लाइटेलर हो, कोई भी खंड है तो उस खंड में नंबर ऑफ नेफ्रिडिया जो होते हैं प्रत्येक खंडों के कितने गुना होंगे? 10 गुना होंगे। प्रत्येक खंडों के 10 गुना होंगे। इस तरह से अगर प्रत्येक खंड में नेफ्रिडिया जो है वो कितने पाए जा रहे हैं, अगर 250 पाए जा रहे हैं तो वहां 2000 पाए जाएंगे एक एक खंड में, और तीन खंड हो गए तो 7500 नेफ्रिडिया हो गए। इस तरह से आपने देखा कि नंबर ऑफ नेफ्रिडिया जो होते हैं, वो नेफ्रिडिया आपने देखा कि ये नेफ्रिडिया जो होते हैं ये पूरी तरह से आसानी पूर्वक इनके संख्याएं बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया है, उत्सर्गिकाओं के जंगल है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड। अब इस तरह से नेफ्रिडिया के विषय में बताया मैंने, थोड़ा सा और मैं आपको नोट कराना चाहूंगा। आपने देखा कि सीटी जो होती है, सीटी नोट करिएगा, क्लाइटेलम खंडों को मीन्स 14, 15, 16 खंडों को से तथा पहले व अंतिम खंडों को छोड़ करके, पहले और अंतिम खंडों को छोड़ करके 14, 15, 16 मीन्स तीन खंड ये हो गए, 14, 15, 16 तीन खंड ये हो गए, पहला अंतिम टोटल 5 खंड हो गए, पहला खंड हो गया, अंतिम खंड हो गया 14, 15, 16। एक 5 सेगमेंट ऐसे हो गए, 5 खंड ऐसे हो गए जिसमें सीटी नहीं पाई जाती, जिसमें किसी प्रकार का लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। अब आप देखेंगे और आगे क्या होता है। लोकोमोटिव ऑर्गन सीटी के में मैंने आपको पहले बताया कि इनका आकार जो होता है यस शेप का होता है, और ये फुल काइटिनस होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। फुल काइटिनस का मतलब क्या हुआ? काइटिन के बने होते हैं। अगर ये काइटिन के बने होते हैं माय डियर फ्रेंड, तो इसका मतलब हो गया कि जल्दी सड़ेंगे गलेंगे नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहीं पर क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं, इसी हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो, अगर हम केचुए को खा लेते हैं, सपोज करिए अगर मैं केचुए को खा लेता हूं, हमारी बॉडी जो है वो केचुए को डाइजेस्ट कर ले जाएगी। लेकिन उसी एलिमेंट्री कैनाल में स्कैरिस पाया जा रहा है, वो स्कैरिस क्यों नहीं डाइजेस्ट किया जा पा रहा है? आखिर एलिमेंट्री कैनाल को, अगर एलिमेंट्री कैनाल अर्थवर्म को डाइजेस्ट कर ले जाए, तो वही एलिमेंट्री कैनाल जो पेट के केचुए को स्कैरिस को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे? क्योंकि उसकी बॉडी क्यूटकिल की बनी होती है। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसकी बॉडी क्यूटकिल की बनी होती है, जिसको हमारे बॉडी से निकलने वाले जो है डाइजेस्टिव जूस उसको जो है उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको जो है सड़ा गला नहीं सकते। इसीलिए वो पेट का केचुआ बिना सड़े गले आपकी बॉडी में पूरी तरह से रोटेट करता रहता है, पूरी तरह से चक्कर लगाता रहता है। माय डियर फ्रेंड, आइए आगे बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल होल के विषय में इसके बताएंगे कि एक्सटर्नल अपर्चर क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, एक्सटर्नल अपर्चर में जाइए, सबसे पहले देखते हैं मुख द्वार। मुख द्वार में पहला आपने देखा जो पेरिस्टोमियम है, जो हाफ मून शेप्ड है, ये फर्स्ट सेगमेंट में पाया गया है। ध्यान से आप देखेंगे, ये फर्स्ट सेगमेंट में पाया गया है। उसके बाद दूसरा होता है वृक्क छिद्र, जिसको कहा गया है नेफ्रिडियोपोर। माय डियर फ्रेंड,
पहले और अंतिम खंडों को छोड़कर के, पहले और अंतिम खंडों को छोड़कर के प्रत्येक खंड में नेफ्रिडियोपोर पाए जाते हैं और ये पूरी तरह से समान रूप से बिखरे हुए होते हैं। अभी आप केचुए को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप केचुए को, आप केचुआ जा रहा है, अगर उसको आपने पकड़ लिया, कैच कर लिया, जैसे ही आप उसको कैच करते हैं उसके ऊपर से एक दूधिया जो है म्यूसिलेज जैसा एक पदार्थ सिक्रीट होता है और आपके हाथ से तेजी के साथ स्लिप कर जाता है। वो दूधिया पदार्थ कहां से निकल रहा है? वो उसके बॉडी के अंदर से निकल रहा है जिसमें म्यूसिलेज है। वह क्या करता है? पहला तो उसके शत्रुओं से उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा काम क्या है? शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने के उपरांत दूसरा काम यह होता है कि वह उसकी बॉडी को हमेशा सॉफ्ट, उसकी बॉडी को हमेशा सॉफ्ट बनाए रखता है, उसकी बॉडी को हमेशा मेंटेन बनाए रखता है। हमारे फ्रेंड अब आगे देखते हैं, शुक्र ग्रह का क्षेत्र नोट करिएगा, जिसको कहा जाता है स्पर्मेटिकल पोर्स, नोट करिएगा स्पर्मेटिकल पोर्स, स्पर्मेटिकल पोर्स। माय डियर फ्रेंड इसमें फोर पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं, जिसमें नोट करिएगा पांचवें छठवें सेगमेंट की सेप्टा पर एक पोर होता है। नोट करिएगा पांचवें छठवें सेगमेंट की सेप्टा पर। मैं इसका सारा फिगर यूट्यूब अपने इस चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, तो इसको आप लोग एक एक करके देखते चलिएगा। इसके पांचवें छठवें सेगमेंट की सेप्टा पर, सेगमेंट की सेप्टा पर एक जोड़ी स्पर्मेट की, दूसरा छठवें सातवें पर एक जोड़ी, तीसरा सातवें आठवें पर एक जोड़ी और चौथा आठवें नौवें पर एक जोड़ी। कितने जोड़ी हो गए? चार जोड़ी स्पर्मेट की हो गए। कितने जोड़ी स्पर्मेट की हो गए? चार जोड़ी लेफ्ट साइड में, चार जोड़ी राइट साइड में, टोटल कितने हो गए? एट। चार जोड़ी लेफ्ट साइड में, चार जोड़ी राइट साइड में, एट स्पर्मेट की इसमें पाए गए। स्पर्मेथिका का काम होता है जो फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करके रख लेती हो उसी को स्पर्मेथिका बोला जाता है। स्पर्मेथिका का अर्थ होता है स्पर्म को स्टोर करके रखने वाला आर्गन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अब आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड पृष्ठ छिद्र पर हम चलते हैं। इसके पीठ पर जो होल होते हैं, पृष्ठ छिद्र पर चलते हैं, तो यहां पर देखा जाए अगर पृष्ठ की छिद्र की बात करते हैं, शरीर के अंतिम जो है अंतरखंडी खाच को छोड़ दिया जाए, शरीर के अंतिम खाचों को छोड़ दिया जाए तो 12वें-13वें सेगमेंट की सेप्टा पर, 12वें-13वें सेगमेंट की सेप्टा पर देखा गया कि एक इसमें होल पाया जाता है, जिस होल की सहायता से यह पृष्ठ छिद्र होता है, इसके द्वारा जो होता है ये शरीर सतह पर खुलते हैं और इसी के द्वारा दूधीय रंग का जो है म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं, जो पूरे बॉडी पर फैल करके इनकी साफ बॉडी को सॉफ्ट करता है, इनकी बॉडी को नम बनाए रखता है। आइए आगे देखते हैं मादा जनन छिद्र, फीमेल जेनाइटल पोर, नोट करिएगा फीमेल जेनाइटल पोर इसका जो होता है, नोट करिएगा ये फीमेल जेनाइटल पोर, मादा जनन छिद्र जो होता है 14वें सेगमेंट की सेप्टा पर नीचे की साइड में पाया जाता है। 14वें सेगमेंट की सेप्टा पर अधर तल में, माने जो तल नीचे है, अधर तल है, जो तल नीचे है वहां पर 14वें सेगमेंट की सेप्टा में ये पाया जाएगा। यहां पर एक जो है एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है, नर जनन छिद्र लिखिए, नोट करिएगा नर जनन छिद्र। तो नर जनन छिद्र माय डियर फ्रेंड 18वें सेगमेंट की सेप्टा पर पाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चौथा जो है यहां पर जो 14वें खंड में, माने जहां पर क्लाइटेलम शुरू हो रहा है, यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्लाइटेलम शुरू हो रहा है, यहां पर ये जो होल पाया जाएगा ये फीमेल जेनाइटल पोर है और 16 के बाद जो 17-18 पाए जाएंगे 18वें सेगमेंट की सेप्टा पर, माय डियर फ्रेंड 18वें सेगमेंट की सेप्टा पर पाया जाएगा नर जनन छिद्र। तो नर जनन छिद्र इसके 18वें जनन की सेप्टा पर पाए गए और उसके बाद इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती हैं और यहां पर देखेंगे एनस, एनस 120 एट लास्ट सेगमेंट में इसके एनस पाया जाता है, एट लास्ट सेगमेंट में इसमें एनस पाया जाता है। माय डियर फ्रेंड अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि बॉडी, मैंने ऑलरेडी पहले से बता दी, इसकी बॉडी जो होती है सिंपली, इसकी बॉडी जो होती है वो समतली होती है और इसमें क्यूटिकल की देह भित्ति का सबसे बाहरी भाग क्यूटिकल की देह भित्ति का और लचीला और आकोशिक स्तर है, लचीला और आकोशिक स्तर है अर्थात बिना कोशिकाओं में विभाजित हुए आकोशिक स्तर। लचीला है जो विस्कोसिटी, जिसके अंदर विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, लचीला और आकोशिकीय स्तर होता है।
इस तरह से आप देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं आपको जो है एक विशेष प्रकार के जो है पार्ट के विषय में डिस्कस कराने के लिए चल रहा हूँ। और वहाँ पर आप लोगों ने देखा, मैंने सीटी के विषय में बताया, यहाँ पर आपको सीटी के द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है, और सीटी में सीटी एक क्यूटिकल की बनी होती है। यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर ये सीटी लगी होती है, यहाँ पर ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं, सीटी के नोड्यूल्स पाए जाते हैं, सीटी की गांठें पाई जाती हैं इस तरह से। यही गांठें इनको ऊपर नीचे नहीं आने देती है, और यही आसानी से बाड़ी में जो है ये लगी हुई होती है। इनका ऊपरी भाग बाड़ी के अंदर होता है, निचला भाग बाड़ी से बाहर होता है। इस तरह से आपने सीटी के विषय में देखा है। और निचला पार्ट जो होता है ये आप देख रहे हैं, और जो निचला पार्ट होता है जो बाड़ी के बाहर है तो हाई है, तो यहाँ पर इस तरह से ब्लंट शेप, ऐसे ये ब्लंट शेप होता है जो सीटी जैसे जैसे घिसती जाती है उसका नया निर्माण करता चला, जैसे हमारे दांत लगातार घिसते जाते हैं, नीचे से रूट उनकी बढ़ती चली जाती है, सेम एज लाइक। अब आइए देखते हैं आपको थोड़ा सा, और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर लोकोमोशन की श्रेणी में आपने देखा लोकोमोशन जो होता है इसमें लोकोमोशन जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल लोकोमोशन होता है। केचुआ जब चलता है अपने बाड़ी को ऐसे पूरी तरह से फैलाएगा, फिर यह सिकोड़ेगा इस तरह से अपने पेरिस्टोमियम से, प्रोस्टोमियम से ये मिट्टी को पकड़ता है, पूरी बाड़ी को खींचता है, फिर आगे वाले भाग को फैलाएगा, फिर पूरी बाड़ी को खींचेगा, फिर आगे वाले भाग को फैलाएगा, फिर पूरी बाड़ी को खींचेगा, इस तरह से घिसकता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। केचुए में इस तरह का जो मोशन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल मोशन बोला गया। आइए देखते हैं इस तरह का मोशन केचुए में जो पाया जा रहा है, ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो पाए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जिस क्वेश्चन को जो है बच्चों ने एराइज किया है। आइए मैं सबसे पहले बताऊं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, माय डियर फ्रेंड, अर्थवर्म में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है फर्स्ट टू सिक्सटीन फोर्टीन सेगमेंट तक, पहले से लेकर के 14वें खंड तक अलग प्रकार का होता है, और 15वें से लेकर के अंतिम खंड तक अलग प्रकार का होता है। इसीलिए कोई भी टीचर या कोई भी लेखक जब भी डिस्कस करेगा तो अर्थवर्म के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिस्कस करेगा, पहले पार्ट में फर्स्ट टू 14, दूसरे पार्ट में 15 टू लास्ट। क्लियर हो गया, लास्ट माने 120, लास्ट माने 120। आइए देखते हैं फर्स्ट टू 14 सेगमेंट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको नोट करा दूं इसमें कितनी जो है नलिकाएं हैं, पहले नोट करिएगा। तो इसमें रुधिर वाहिनियों की संख्या लिखिएगा, अर्थवर्म में नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स जो होती है वो 5 होती है, नंबर ऑफ ब्लड वेसल 5 होती है। पहली जो होती है डार्सल ब्लड वेसल होती है, नोट करिएगा, पहली डार्सल ब्लड वेसल होती है, पहली ब्लड वेसल का नाम दिया गया डार्सल, जो ऊपर आप देख रहे हो, आप यहाँ पर जो देख रहे हो, अभी मैं इसको कलर कर दे रहा हूं आपकी समझ में आ जाएगा। ये जो आप ब्लड की वेसल देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये डार्सल ब्लड वेसल है। कौन सी ब्लड वेसल है? डार्सल ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये डार्सल ब्लड वेसल है, ये डार्सल ब्लड वेसल यहाँ पर पाई गई। और डार्सल ब्लड वेसल के पाए जाने के बाद आप देख रहे हो ये डार्सल ब्लड वेसल यहाँ पर पाई जा रही है, ये डार्सल ब्लड वेसल यहाँ पर पाई गई, और ये इसके बाद ये डार्सल ब्लड वेसल के साथ ये वेंट्रल ब्लड वेसल नीचे की साइड में आप देख रहे हो, वेंट्रल वेसल देख रहे हो। तो डार्सल ब्लड वेसल हो गया, और दूसरा है वेंट्रल ब्लड वेसल, दूसरा पार्ट क्या है? वेंट्रल ब्लड वेसल। डार्सल ब्लड वेसल के बाद दूसरा पार्ट, मैं इसका फिगर भी अपलोड कर दे रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग पूरी तरह से क्लियर करके देख लीजिएगा। वेंट्रल ब्लड वेसल हो गया। आइए तीसरा देखते हैं, लैटरल ओसोफेजियल वेसल, जो लैटरल साइड में ओसोफेगस पर इस तरह से निकलती है, इस तरह से बढ़ती चली जाती है, इस तरह से ये लैटरल ओसोफेजियल रीजन से है। क्या है ये? लैटरल ओसोफेजियल रीजन से है, इनको लैटरल ओसोफेजियल ब्लड वेसल बोला गया, ये लैटरल ओसोफेजियल ब्लड वेसल होती हैं। तीसरा जो चौथा जो होता है सुप्रा ओसोफेजियल वेसल होता है, नोट करिएगा, चौथा जो होता है सुप्रा ओसोफेजियल वेसल, चौथा सुप्रा ओसोफेजियल वेसल। और एट लास्ट जो इनका पांचवा जो ब्लड का सर्कुलेटरी जो है नलिका होती है उसका नाम है लैटरल ब्लड वेसल। तो जो है लैटरल ब्लड वेसल, पार्श्व रुधिर वाहिनियां जिसको बोला गया, फिर से नोट कर लीजिए, मिला लीजिए एक बार आप लोग। पहला जो है जिसको मैंने कहा डार्सल ब्लड वेसल, दूसरा वेंट्रल ब्लड वेसल हो गया ना, तो तीसरा आप देखिएगा, तीसरा मैंने बताया आपको जो है लैटरल ओसोफेजियल वेसल हो गया ना, लैटरल ओसोफेजियल वेसल, चौथा देखिए सुप्रा ओसोफेजियल वेसल, और पांचवा आप देखिएगा
लैटरल ब्लड वेसल हो गया ना, ये पांच हो गए। तो पांच प्रकार की इसमें नलिकाएं पाई जा रही हैं। माय डियर फ्रेंड आइए देखते हैं, अब आपको समझना है इनमें ब्लड क्या है और कैसे हो रहा है, तब मैं इस फिगर को मिटाऊंगा। पहले आप देखेंगे बक्कल चैम्बर हो गए, यहाँ पर जो रेड कलर में आप देख रहे हो, ये ऊपर आप देख रहे हो, ये बॉडी सेगमेंट है। क्या है ये? बॉडी सेगमेंट है माय डियर फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हो ये बॉडी सेगमेंट है। जो अब मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, ये इनके ऊपर का होल है जहां से ये व्हाइट कलर का म्यूसिलस सिक्रीट करेंगे, व्हाइट कलर का म्यूसिलस सिक्रीट करके पूरी बॉडी को साफ करेंगे, पूरी बॉडी को नंबर आएंगे। माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ हार्ट, टोटल नंबर ऑफ हार्ट कितने होते हैं केचुए में, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ हार्ट देखिएगा, एक जो है वन जो है यहाँ पर सातवें सेगमेंट में आप देख रहे हो लैटरल हार्ट, इसमें पाया नोट करिएगा, इसमें लैटरल हार्ट पाए जाते हैं केचुए में, लैटरल हार्ट पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, केचुए में लैटरल हार्ट पाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, लैटरल हार्ट पाया गया। और लैटरल हार्ट पाए जाने के बाद आप नोट करेंगे कि पहला इसमें चार जोड़ी, कितने चार, चार जोड़ी, फोर पेयर ऑफ हार्ट, फोर पेयर में कितने हो गए बेटा, फोर पेयर में हो जाएंगे चार, फोर टू जा एट, एट हार्ट पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंड टू लूप्स, एट पेयर एंड टू लूप्स पाए जाते हैं। देखते हैं एट पेयर कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, फिगर में आप देखिएगा, एट पेयर जो पाए जा रहे हैं यहां पर आप देखिएगा, और मैं इसके भी फिगर को पूरी तरह से अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। एट पेयर भी आप देखिए कि यहां पर सातवें सेगमेंट में नोट करिएगा, सातवें सेगमेंट में एक जोड़ी हो गया और आठवें में कुछ नहीं है, नौवें सेगमेंट में एक जोड़ी हो गया, सात और नौ दो हो गए ग्यारह, यहां पर देखिएगा बारहवें सेगमेंट में एक जोड़ी हो गया, तेरहवें सेगमेंट में एक जोड़ी हो गया, क्लियर हो गया, कितने पेयर हो गए, फोर पेयर। और यहाँ पर ब्लड ऊपर से आ रहा है नीचे, माने डार्सल ब्लड वेसल से आ रहा है वेंट्रल ब्लड वेसल में, अब ब्लड कैसे वेंट्रल से डार्सल में नहीं जा सकता है, अभी मैं इसके वाल्व को बना करके क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर कितने पेयर ऑफ हार्ट हो गए, फोर पेयर ऑफ हार्ट हो गए। और यहाँ पर देखिएगा ऐसा लगता है कि इसमें रुधिर वाहिनियों का पूरा जाल सा फैला हुआ है, ऐसा लगता है कि अर्थवर्म में पहले प्रथम 14 खंडों में रुधिर वाहिनियों का पूरी तरह से जाल फैला हुआ है। आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड, जो जाल फैला हुआ है वो जाल कौन सा है, और इसी के बीच आप देख रहे हैं डार्सल से वेंट्रल को जोड़ने वाली, और जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, और डार्सल ब्लड वेसल से जो एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड को पहुंचाने वाले हैं, इन दोनों को लूप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लूप बोलते हैं, और इसका पूरा नाम आप नोट करेंगे, इनको दोनों को लूप बोला जाता है, इन दोनों को लूप बोला जाता है, इनका नाम नोट करेंगे, एंटीरियर लूप्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीरियर लूप्स होते हैं। यहां देखेंगे तो अगर हर्ट है तो डार्सल ब्लड वेसल से वेंट्रल में ब्लड आ रहा है, हार्ट में डार्सल से वेंट्रल में ब्लड आ रहा है, 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 लेकिन लूप क्या कर रहा है कि नीचे की साइड से वेंट्रल साइड से डार्सल में ले जा रहा है, वेंट्रल साइड से डार्सल में ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। तो लूप का काम है जो आने वाले ब्लड है उनको अपोजिट डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना, अर्थात यहां पर ब्लड पहुंच गया। अब ये जो भोजन को करेगा, केचुआ खाता क्या है, केचुए का भोजन क्या है, मिट्टी और साग अलग कार्बनिक पदार्थ, केचुए का मुख्य भोजन होता है मिट्टी और साग अलग कार्बनिक पदार्थ। माय डियर फ्रेंड ये सॉयल को और सड़े गले मटेरियल को खा रहा है। 14 सेगमेंट में आपने देखा यहाँ पर एक फीमेल जेनिटल अपर्चर पाया जा रहा है, नोट करिएगा इसको, इसको फीमेल जेनिटल अपर्चर बोला गया, मैंने इसको बताया है आपको, फीमेल जेनिटल अपर्चर पाया जा रहा है, जेनिटल अपर्चर पाया गया, ये फीमेल एक मादा जनन अंग जिसको बोला गया ये पाया गया। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं 14th के आगे अगर बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, तो 14th के आगे जाने पर, मादा जनन खंड के आगे जाने पर अगर हम देखते हैं कि तब यहां पर जो होता है 16 आप देख ही रहे हैं, 17 को छोड़ दीजिएगा, 18 में इसके जो है मेल जेनिटल अपर्चर पाए जाते हैं। मेल जेनिटल अपर्चर कहां पाया जाएगा, 18 में। तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर जो है अपलोड करूंगा, वहां पर मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो पाए जा रहे हैं वहां पर कहां कहां पर इसमें पैपिलिया पाए जा रहे हैं, और पैपिलिया में किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के पैपिलिया हैं, और उन पैपिलिया का वर्क क्या होता है, उन पैपिलिया के कार्य क्या होते हैं,
तो इस तरह से आपने देखा। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जेनाइटल पैपिला जो होते हैं, जेनाइटल पैपिला जो होते हैं वो यहां से इसके नीचे 17, 18, 19 पर ये मेल जेनाइटल पैपिला पाए जाते हैं। क्या? मेल जेनाइटल पैपिला पाए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब एक केस भी अपने रिप्रोडक्शन की कंडीशन में आते हैं तो यही मेल जेनाइटल पैपिला जो होते हैं ये जो है वर्षा ऋतु के समय एट जो है मिडनाइट के बाद, अर्धरात्रि के बाद ये अपने होल से बाहर आते हैं। और अप्रॉक्सिमेट कुछ साइंटिस्टों जैसे आर्यल डॉक्टर आर्यल कोटपाल ने लिखा है ये 4 से 5 बजे के बीच अर्थात भोर के समय में ये अपनी कोशिकाओं से बाहर में होल से बाहर आएंगे। होल से बाहर आकर के एक दूसरे के साथ इस तरह से साइड वाइज जाकर के अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ साइड वाइज जाकर के जुड़ जाते हैं और एक अपना स्पर्म दूसरे में और दूसरा अपना स्पर्म पहले वाले में के स्पर्मैथिकी में जो है उड़ेल देता है। अर्थात स्पर्म जो है वह स्पर्मैथिकी में चला जाता है। जब ये एक साइड के स्पर्मैथिकी पूरी तरह से भर जाते हैं, स्पर्मैथिकी का जोड़ा मैंने कौन सा बताया है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये 4 जोड़े मैंने स्पर्मैथिकी बताए हैं लेफ्ट साइड में और यही 4 जोड़े स्पर्मैथिकी राइट साइड में। टोटल स्पर्मैथिकी कितने हो गए, 8 स्पर्मैथिकी हो गए। पहले लेफ्ट साइड का भरेंगे, उसके बाद फिर यही घूमकर इस साइड में हो जाएंगे और फिर राइट साइड का भरना प्रारंभ करेंगे। राइट साइड के स्पर्मैथिकी को पूरी तरह से भर देंगे। अब आप देखेंगे इस तरह से केचुए में अर्थवर्म में जो है वो कॉपुलेशन की क्रिया हो जाती है। कॉपुलेशन इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर इनके जेनाइटल पैपिला वो फीमेल जेनाइटल पैपिला में इंटर करता है, इसलिए मुझे ये टर्म यूज करना पड़ रहा है कि यहां पर कॉपुलेशन की क्रिया होती है। आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड। तो फिर यहां पर इस तरह से आपने देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन डार्सल से वेंट्रल की साइड में आ रहा है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा फिगर बना करके आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, आपको समझा देना चाहता हूं किस तरह से यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं, किस तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं। आइए एक इसके जो है हार्ट को बना करके हम आपको समझाएंगे। आप इसके एक हार्ट को देखिएगा, अर्थवर्म के मैं एक हार्ट को बना करके आपको फिगर के रूप में एक हार्ट को मैं समझाने चल रहा हूँ। आप देखिएगा कि अर्थवर्म का जो होता है एक हार्ट, एक हृदय जो होता है अर्थवर्म का किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये आसानी पूर्वक ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं और क्यों अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो जाता। कहने में तो केचुआ बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका डिस्कस आप कर रहे हो तो आप सोचिए कितने समय से आप उसका डिस्कस कर रहे हो। अभी हम टोटल केचुए पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम पहले से 14वें खंड ही तक पहुंचे हैं और जब 15वें से लेकर के 120 खंडों तक पहुंचेंगे तो वहां का डिस्कस किस प्रकार का होगा आप लोग स्वतः सोच सकते हो। तो इसके बाद का मेरा अगला सेगमेंट होगा वो 15वें से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक, ये क्लास 11th और 12th के मैं बायोलॉजी से बता रहा हूँ, डॉक्टर आर्यल कोटपाल की बुक से बता रहा हूँ और एनसीईआरटी की बुक से बता रहा हूँ। आप लोग टोटल इसको नोट करिएगा और इसके फिगर को देखिएगा, मैं इसके फिगर को बना रहा हूँ। ये देखिएगा इसका फिगर, इसका यहाँ पर आप देखिएगा इसका फिगर, ये देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से आप देखिएगा इस तरह से, यहाँ से आप देखिए ध्यान से इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप अब यहाँ पर ये आ गया। फिर यहाँ पर ये एक और प्रकार नोट बनाया, दो नोट बना लिया और फिर अब यहां पर देखिए ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे हो गया। अब आप देखिएगा यहां पर आ गए, ये हार्ट की हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा, ध्यान से नोट करिएगा आप लोग, ये देखिएगा ये हार्ट हो गया, इसका ये हार्ट हो गया। इस तरह से एक हार्ट की संरचना मैंने बनाया, एक हार्ट की संरचना। अब आप देखिएगा कि इस हार्ट की संरचना में क्या मैं और थोड़ा सा चेंजिंग ले आना चाह रहा हूं, देखिएगा आप लोग, मैं वाल बनाना चाह रहा हूं इसमें। अब यहां पर ये नोड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, यही जो है डॉर्सल ब्लड वेसल है, इसी को क्या बोला जाएगा, इसी ब्लड वेसल को डॉर्सल ब्लड वेसल बोला जाएगा, नोट करते चलिएगा, डॉर्सल ब्लड वेसल। और यहां पर आइए देखते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल के साथ साथ इसमें वाल देखा जाए। माय डियर फ्रेंड, इसमें फोर वाल्व होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व। इस तरह देखिएगा एक वाल्व तो यहां से यहां तक ऐसे हो गया, एक वाल्व हो गया, यहां से यहां तक एक वाल्व हो गया, इस तरह से
ये एक वाल्व हो गया, और फिर दूसरा वाल्व देखिएगा आप लोग इस तरह से, इसका दूसरा वाल्व हो गया, इसका दूसरा वाल्व हो गया, और फिर आप देखिएगा यहां से यहां तक, अब फिर ये देखिएगा इसका तीसरा वाल्व मैं बनाने चला रहा हूं, यहां से देखिएगा इसका ये तीसरा वाल्व है, खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको, ये तीसरा वाल्व मैं बनाने चला रहा हूं, और एट लास्ट का वाल्व में देखिएगा मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एट लास्ट का वाल्व है ये वाल्व एट लास्ट का वाल्व है, ये चौथा वाल्व है इस तरह से। अब आप देखिए, अब ब्लड का सर्कुलेशन डार्सल से वेंट्रल, ये डार्सल ब्लड वेसल है, नीचे आएगा तो वेंट्रल में जुड़ जाएगा, नीचे आएगा तो यहां किसमें जुड़ेगा, वेंट्रल में जुड़ेगा, नीचे आएगा किसमें जुड़ेगा, वेंट्रल, ऊपर की साइड में डार्सल, नीचे की साइड में वेंट्रल, और इनको क्या बोला गया बेटा, इनको वाल्व बोला गया, क्या बोला गया, वाल्व बोला गया। तो ये वाल्व हो गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाल्व हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो है अर्थवर्म के हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, आप बोलेंगे 1 2 3 4, फोर वाल्व होते हैं, जो बाइक स्पीड वाल्व की तरह से कार्य करते हैं, जो बाइक स्पीड वाल्व अर्थवर्म में जो फोर वाल्व हैं, ये बाइक स्पीड वाल्व की तरह से वर्क करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को सिंगल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यदि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। देखिए कैसे रोकते हैं, ब्लड ऊपर से आया और नीचे आता चला जा रहा है, ऊपर से आ रहा नीचे आता चला जा रहा है, ऊपर से आ रहा नीचे आता चला जा रहा है, ये देखिएगा ऊपर से। लेकिन यदि ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से होना शुरू हो जाए तो वाल आपस में सट जाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड जाएगा तो वाल आपस में सट जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड जाएगा तो वाल आपस में सट जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में यहां ब्लड जाएगा तो वाल आपस में सट जाएंगे। क्या वेंट्रल ब्लड वेसल से डार्सल ब्लड वेसल में ब्लड जा सकता है, नहीं जा सकता, सिर्फ डार्सल ब्लड वेसल से जो है वेंट्रल ब्लड वेसल में ब्लड आ सकता, हाँ जा सकता है, तो किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा नहीं जा सकता, बल्कि लूप के द्वारा जा सकता है। लूप का काम है कि वो वेंट्रल से डार्सल की साइड में ब्लड को ट्रांसफर करे, ब्लड को ले जाए, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का सर्कुलेशन लूप के द्वारा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी यहां पर जो है आपको बताना चाहूंगा कि जो आज मैंने बताया, अब आज जो मैंने बताया है YouTube चैनल के माध्यम से, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कुछ भी मैंने बताया है आज, ये मैंने पहले से लेकर के, पहले खंड से लेकर के ये 14वें खंड तक ब्लड के सर्कुलेशन के विषय में ही मैंने आपको बताया है, इसके आगे अभी अब तक मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके यहीं तक क्लास इंटरमीडिएट तक के कोर्स में है, और इसके पीछे के आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना पड़ेगा, और सारे सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और जेनेटल सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, और भी जितने सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे सिस्टम का अध्ययन मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा। तो फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैंने आपको पहले से लेकर के जो है 14वें खंड तक, कहा जाए एक्चुअल में कहा जाए तो मैं पहले से लेकर के 16वें खंड तक डिस्कस किया, इसलिए डिस्कस किया तो मैंने फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी आपको बताया, किस सेगमेंट को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहा गया, क्लाइटेलम रीजन को कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि हर सेगमेंट का 10 गुना ज्यादा नेफ्रिडिया कहां पाए जाते हैं, वो पाए जा रहे हैं जो है किसमें पाए जा रहे हैं, वो क्लाइटेलम रीजन में पाए जा रहे हैं, इसीलिए क्लाइटेलम रीजन को बोला गया फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया को निकाल करके उनका अध्ययन किया जाता है, और मैंने नेफ्रिडिया के उत्सर्गिका के विषय में बताया, इस नेफ्रिडिया या बहुवचन है, अगर एक वचन के रूप में चला जाए, नेफ्रिडिया का एक वचन जो होता है वो होता है जो है नेफ्रान, क्या होता है नेफ्रान। माय डियर फ्रेंड, अगर ये नेफ्रान है तो नेफ्रान के विषय में आपने देखा,
इसका एक वचन है, अब वचन के केस जाएगा नेफ्रिडिया बोला जाएगा। नेफ्रिडिया से मैंने उत्सर्गिका का संबंध लिया है और उत्सर्गिकाएं जो होती है वो 10 गुना ज्यादा यहाँ पाई जा रही हैं, तो कहीं से भी ये उत्सर्गिकाओं को निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो, मैंने देर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया बताया है, सेप्टल नेफ्रिडिया, फायरेंजियल नेफ्रिडिया और पेरिफेरल नेफ्रिडिया। ये 3 प्रकार की उत्सर्गिकाओं का अध्ययन मैंने बताया और मैंने 4 पेयर ऑफ हार्ट को भी बता दिया। 4 पेयर ऑफ हार्ट मैंने 7th पेयर में 7 सेगमेंट में 1 पेयर बताया, 9 सेगमेंट में 1 पेयर बताया, 12 में बताया और 13 में बताया। ये 4 पेयर में मैंने हार्ट को बताया, उसके लैटरल हार्ट इसमें पाया जा रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो 10 और 11 सेगमेंट है, 10 और 11 सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया है, ये लूप पाए जाते हैं जो कि ब्लड को जो है वो वेंट्रल साइड से डार्सल साइड में पहुंचाने का काम करते हैं। ध्यान रहे कि हार्ट में वाल्व तो पाए जा रहे हैं लेकिन वेसल में जो लूप है, लूप में वाल्व नहीं पाया जा रहा है। इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज अभी आप सभी लोगों को एक बार फिर मैंने जो है एक नई ऊर्जा दिया है आप लोगों को, एक नया टॉपिक मैंने आप लोगों को दिया है कि क्या है वो टॉपिक, अर्थवर्म है, जिसके विषय में जानना, पढ़ना, समझना एक गर्व की विषय, गर्व की बात होती, गर्व का विषय होता है कि एक इंटरमीडिएट का लड़का, एक हायर कैटेगरी का लड़का अगर इसको जान जाए, समझ जाए, पढ़ ले तो ये नीट के एग्जाम के लिए वेल मैच्योर हो सकता है, जो है नीट के एग्जाम के लिए, यूपी जो तमाम प्रकार के जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आप उनके लिए वेल मैच्योर प्रिपेयर हो सकते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उसको पूरी तरह से आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और इन सभी में यदि कहीं से कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9919529090। आप कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो और मैं क्वेश्चन का आंसर आपको विथ बुक, किताब के साथ, पेज के साथ मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।